नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। सगड़ी तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी की बाढ़ एवं कटान से पीड़ित दिवारा वासियों की विभिन्न 12 सूत्रीय मांगों को लेकर फूलन सेना ने मंगलवार को तहसील सगड़ी परिसर में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। फूलन सेना के लोगों ने राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ लिपि को देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे 1 सप्ताह के अंदर पूरी नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करने पर विवश होंगे। फूलन सेना ने अपनी मांग पत्र में कहा है कि घाघरा नदी की बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें तत्काल प्रभावी लाभ दिया जाए और टिकटपुर बांध कटने से बाढ़ का पानी अजमतगढ़ होते हुए इसराहा, अम्पापार, भरौली, उत्तरकक्षा, सिकंदरपुर, तिवारीपट्टी, डिडवानिया, महुला, सोहराभार, बनकटिया आदि दर्जनों गाँव में जमा हो गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से डूब गई है और किसान बर्बाद हो गया है। यदि उनकी मदद नहीं की गई तो रबी की बुआई भी नहीं कर पाएंगे। अपने मांग पत्र में फूलन सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद के ऊपर बरहज थाने में दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की। इस दौरान दर्जनों लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा रमेश निषाद ने, सुनवाते हैं आपको। सर, रमेश निषाद, ग्राम इसरा, प्रधान पति, ब्लॉक अजमतगढ़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़। सर, हमारी समस्या है ये महुला ग्राम पंचायत और दाम महुला, ये दोनों ग्राम पंचायत में बहुत से किसानों को ये सरकार के तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। और दूसरी समस्या है कि वहाँ पर 4 डुब्बी हुई है, हमारे नौजवान साथी मर गए हैं, उन परिवार को अभी तक सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। और तीसरी समस्या है ये अजमतगढ़ ताल सलोना के किनारे अम्मापार, अतरकच्छा, बरडीहा, डिघवनिया, इसरा, भरौली, अजमतगढ़, रघुनंदनपुर, नरहन, सुखमदत्त नगर, तिवारीपट्टी, बेलसर आ इत्यादि गांव, ये सब आज पानी से चारों तरफ घिरे हुए हैं। और हमने अगले महीना में सरकार को, कमिश्नर को जाकर के ज्ञापन दिया था कि हमारे क्षेत्र में ये जल की बड़ी समस्या है, किसान आज परेशान है, किसान की फसल बर्बाद हो गई है, इसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, मगर आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगले महीना में हमने SDM महोदय को ज्ञापन दिया और SDM महोदय 15 अगस्त के दिन हमारे क्षेत्र में गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके क्षेत्र के लेखपाल को मैं ड्यूटी देता हूँ।